Good morning, students. Today we are continuing our revision. Okay. Okay. Filling the blanks. Okay. There are dash days in a week. एक week में कितने days होते हैं? 7 days होते हैं, right? Which कौन से days होते हैं वो? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, right? 7 days होते हैं ना? The second day of the week is ट्यूजडे, है ना? मंडे ट्यूजडे, सेकेंड डे कौन सा होता है? ट्यूजडे होता है, राइट? तो ट्यूजडे का स्पेलिंग क्या है? TUESDAY, ट्यूजडे. ओके, नाउ नेक्स्ट. 5 + 2 + 2, है ना? 5 रुपीज़ + 2 रुपीज़ + 2 रुपीज़ कितना होगा? 5 + 2 कितना होता है? 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 9 रुपीज़ होता है ना? प्लस करोगे तो क्या आएगा? 9. नाउ नेक्स्ट. अब यहाँ देखो, आपको क्लॉक दिया हुआ है, राइट? आपको टाइम देखना है कितना हुआ. देखो, स्मॉल आर्म मीन्स शॉर्ट हैंड किसको बताता है? हावर को बताता है. और लॉन्ग हैंड किसको बताता है? मिनट को, राइट? अब देखो, यहाँ शॉर्ट हैंड किस पे है? 8 पे है. और लॉन्ग हैंड 12 पे है, राइट? तो कितना होगा? 8 o'clock, राइट? क्या आएगा? 8 o'clock. वेट ऑफ अ टेलीविजन सेट. टेलीविज़न सेट क्या होता है? भारी होता है, राइट? तो हम उसका वेट किससे मेजर करते हैं? किलोग्राम से मेजर करते हैं, ना? हैवी ऑब्जेक्ट किससे मेजर करते हैं? किलोग्राम से, राइट? तो क्या आएगा? किलोग्राम. केजी मीन्स क्या है? किलोग्राम. ओके, 179 179 कैसे लिखेंगे? 179 179. फेब्रुवरी हैज़ डैश डेज इन अ लीप ईयर. फेब्रुवरी में कितने डेज लीप ईयर्स होते हैं? 20. लीप ईयर में कितने डेज होते हैं फेब्रुवरी में? 29. ओके, अब लीप ईयर नहीं है तो कितने होंगे? 28 होगा. ओके, अब लीप ईयर में कितने होगा तो 29 डेज. ट्राइंगल हैज़ डैश साइड्स एंड डैश कॉर्नर. ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं? ये ट्राइंगल है, राइट? देखो कितने साइड्स है? 1 2 3. 3 साइड से कॉर्नर मीन्स दो लाइन्स टच है वो कॉर्नर, है ना? 1 2 3, तो 3 कॉर्नर्स. सर्कल डैश हैज नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स. किसके साइड्स और कॉर्नर्स नहीं होते हैं? सर्कल्स के, है ना? देखो, सर्कल्स के कहाँ साइड्स होते हैं? देखो, है ना, ये कर्व्ड लाइन, कर्व्ड होता है ना पूरा, तो उसके साइड्स का होते हैं ना. ओके, नेक्स्ट. 3 × 2 कितना होता है? 6. 3 × 2 = 6. 70 पैसा. 70 पैसे के कैसे लिखोगे? 70. 70p लिखोगे पैसे के लिए. ओके, डैश हैज 4 squares. किसके 4 कॉर्नर्स हैं? स्क्वायर्स के, है ना? और 4 कॉर्नर्स किसके हैं? स्क्वायर के भी है, रेक्टेंगल के भी 4 कॉर्नर्स है ना, बट अब स्क्वायर हैज 4 कॉर्नर्स. अब 38 + 1 = कितना होता है? 38 में 1 प्लस करोगे तो कितना होगा? यहाँ 1 लिखोगे तो 8 + 1 = 9 आएगा, और ये 3 39. 100 को कैसे लिखोगे वर्ड्स में? 1 ONE 100, HUNDRED 100. ओके, नेक्स्ट. 5 × 5 5 5 = 25, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज 6 3 = कितना होता है? 6 1 = 6 6 2 = 12, 6 3 = 18, है ना? देखो, यहाँ ₹1 + 2 + 2 रुपीज़, है ना? तो प्लस करोगे तो कितना आएगा? 2 + 2 = 4, 4 + 1 = 5. तो क्या आएगा आंसर? 5, राइट? देखो, यहाँ 20 + 1 20 + 1 कितना होता है? 21, राइट? 2 5 = 2 1 = 2 2 2 = 4 2 3 = 6 2 4 = 8 2 5 = 10. 1 0 10. अब 7 के टेबल में 7 5 कितना आता है? 7 1 = 7 7 2 = 12 7 2 = 14, 7 3 = 21, 7 4 = 28, 7 1 = 7 7 2 = 14, 7 3 = 21, 7 4 = 28, 7 5 = 35, 3 5 = 35, right? Okay, now next.
टिक द राइट ऑप्शन. ओके, आपको जो आपको टिक करना है, दो ऑप्शन है, आपको टिक करना कौन सा राइट है. ओके, ट्राइंगल हैज डैश साइड्स. ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं? ट्राइंगल कैसे होता है सर? राइट, कितने साइड्स है? ये वन, ये टू एंड थ्री. सो थ्री साइड यू हैव टू टिक हियर. ओके, थ्री है तो यहाँ टिक करना है. ओके, अ लीप ईयर हैज डैश डेज. लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? लीप ईयर नहीं है तो कितने डेज होंगे? 365 होते हैं. राइट, तो अब लीप ईयर में एक और डे ऐड हो जाता तो क्या होगा? 365 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 366. तो 366 का है ए ऑप्शन है, तो यहाँ टिक करना है आपको. ओके, वेट ऑफ अ चाइल्ड. हम चाइल्ड का वेट कैसे किससे मेजर करेंगे? किलोग्राम से कि ग्राम से? जब हैवी ऑब्जेक्ट को हम मेजर करते हैं तो किलोग्राम से करते हैं, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट को मेजर करना है तो ग्राम यूज करते हैं ना. तो चाइल्ड तो भारी होगा है ना, तो किससे मेजर करेंगे? किलोग्राम से. अ वाटर टैंक इन योर हाउस. वाटर टैंक इन योर हाउस किसे मेजर करते देखते हैं हम? लीटर से देखते हैं. राइट, तो एल मीन्स लीटर, तो यहाँ टिक करना है. शॉर्ट फॉर्म ऑफ मीटर. मीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एम होगा है ना. मीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एम है, तो यहाँ मीटर ए ऑप्शन है. एम यहाँ दिया हुआ था, आपको यहाँ टिक करना है. ओके, 574 कैसे लिखते हैं? 574 कहाँ पे है? देखो ए ऑप्शन है, 574, तो आपको यहाँ टिक करना है. ओके, एट इज डैश. ऑड है कि इवन? एड ऑड होता है, ऑड है कि इवन? इवन नंबर्स आ रहे हैं, यानी जो नंबर्स टू से टू के टेबल्स में आते हो है ना. टू के टेबल्स में कौन से आते हैं? टू आता है, फोर, सिक्स, एट, टेन, इलेवन है ना. वो सारे क्या है? टू से टू के टेबल में आते हैं, या तो टू से डिवाइड होते हो. वो सारे नंबर्स क्या है? इवन नंबर्स बोलते हैं ना हम. तो क्या है? एट तो टू के टेबल में आता है, तो क्या होगा? इवन होगा है ना. तो इवन क्या टिक करना है? फोर्थ. फोर्थ कैसे लिखेंगे हम? फोर्थ, फोर्थ कैसे लिखेंगे? फोर लिखेंगे और ऊपर टी एच है ना, तो यहाँ टिक करेंगे. ए में टिक करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट. थ्री इज ऑड है कि इवन? इवन नंबर मीन्स जो टू से टू के टेबल में आता हो, या तो टू के टू से कट होता हो, टू से डिवाइड होता हो है ना. अब देखो टू के टेबल में थ्री आता है, नहीं आता तो वो तो ऑड हुआ है ना, तो ऑड के वहाँ टिक करना है. स्क्वायर हैज डैश कॉर्नर. स्क्वायर के कितने कॉर्नर्स है? देखो ये स्क्वायर है, इसके कितने कॉर्नर्स है? देखो वन, दो लाइंस का जॉइंट हो रही है वो कॉर्नर है ना, ये और ये दो लाइंस जॉइंट हो रही है. हम थ्री कॉर्नर, वन टू थ्री फोर, देयर आर फोर कॉर्नर्स, सो वी विल टिक हियर. ओके ओके, टुडे वी आर स्टॉपिंग हियर. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू. ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग.